तो फाइनली गाइस आ गया अपने इंडियन बैंक ज्योमेट्री गेम के अंदर अपडेट, और अपडेट के अंदर मैंने इन सभी लॉइन को अपने गेम के अंदर ऐड कर लिया है। तो चलो मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ कि आप लोग भी अपने इंडियन बैंक ज्योमेट्री गेम के अंदर इस वाले लॉइन को कैसे ऐड कर सकते हो और इस वाले लॉइन का क्या सीक्रेट चीट कोड है। तो यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी फटाक से सब्सक्राइब कर दो। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यार जैसे ही आप लोग अपने प्लगइन वाले ऐप को ओपन करते हो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काफी सारे चीट कोड देखने के लिए मिल जाएगा शुरू में ही। तो चलो मैं आप लोगों को लॉइन को भी दिखा देता हूँ कि एनिमल वाले ऑप्शन के अंदर लॉइन ऐड हुआ है या नहीं। तो आप लोग देख सकते हो हमारे प्लगइन वाले ऑप्शन के अंदर लॉइन को ऐड ही नहीं किया गया है। तो मैंने अपने इंडियन बैंक ज्योमेट्री गेम के अंदर इस वाले लॉइन को कैसे ऐड किया है तो चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यार आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, तभी आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा कि मैंने अपने इंडियन बैंक ज्योमेट्री गेम के अंदर कैसे इस वाले लॉइन को ऐड किया है और इस वाले लॉइन का क्या सीक्रेट चीट कोड नंबर है। तो चलो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग भी अपने इंडियन बैंक ज्योमेट्री गेम के अंदर इस वाले लॉइन को ऐड कैसे कर सकते हो। तो लॉइन को ऐड करने के लिए सिंपली आप लोगों को इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चले जाना है, और वहाँ पर आप लोगों को एक लिंक देखने के लिए मिलेगा। सिंपली आप लोग उस वाले लिंक के ऊपर क्लिक कर देना और सीधा आप लोग क्रोम ब्राउजर के अंदर चले आओगे। फिर आप लोग उस वाले लिंक को क्रोम ब्राउजर के अंदर ही कॉपी कर लेना, एंड उसके बाद आप लोग अपने इंडियन बैंक ज्योमेट्री गेम को ओपन कर लेना। और ओपन करने के बाद सिंपली आप लोगों को प्लगइन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, और उसके बाद आप लोगों को इंस्टॉल वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। फिर आपके इंडियन बैंक ज्योमेट्री गेम के अंदर कुछ ही देर में आपका फाइल लोडेड हो जाएगा। मेक श्योर कि आपका इंटरनेट ऑन होगा। अगर आपने इंटरनेट को ऑफ करके फाइल को किया तो आपका फाइल यहाँ पर कभी भी लोडेड नहीं होगा। तो अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरा फाइल लोडेड हो चुका है। तो यार आप लोग अपने इंटरनेट को ऑन करके फाइल को लोडेड करना, फिर जाकर आपके गेम के अंदर आपका फाइल लोडेड होगा। तो यार आप लोग जरूर से इंटरनेट को ऑन करके फाइल को लोडेड करना, देखना आपका फाइल इजिली लोडेड हो जाएगा। तो चलो गाइस अब मैं आप लोगों को लॉइन का चीट कोड नंबर बता देता हूँ। तो जैसे आप लोग यहाँ पर अपने गेम के अंदर 11 डायल करोगे तो आपके गेम के अंदर स्पॉन हो जाएगा लॉइन, जो कि इस बार के अपडेट के अंदर ऐड हुआ है, और ये लॉइन काफी ज्यादा खतरनाक लगता है देखने में। चलो मैं आप लोगों को एक बार लॉइन के ऊपर अटैक करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने जैसे AK-47 से लॉइन के ऊपर फायर किया, और इसने देखो एक ही बार में मेरा हेल्थ कितना ज्यादा डाउन कर दिया, और बल्कि मैंने इन्फिनिटी हेल्थ को भी एक्टिवेट करके रखा था। तो अभी आप लोग सोच सकते हो कि लॉइन कितना ज्यादा डेंजरस है। तो गाइस आप लोगों को यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा कि मैंने अपने इंडियन बैंक ज्योमेट्री गेम के अंदर इस वाले लॉइन को कैसे ऐड किया और इस वाले लॉइन का क्या चीट कोड नंबर है। बस गाइस आज के लिए इतना है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक वीडियो में सबको समझ में आ गया होगा। तो यार आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी फटाक से सब्सक्राइब कर दो। तो यार मैं मिलता हूँ ऐसे वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।